तो इस प्रोजेक्ट में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि एक शू शॉप है जिसपे जिसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से हैं कि पेमेंट मेथड हो, इसमें सेल जो प्रोडक्ट सेल हो उनकी रिपोर्ट बन सके, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन रहे, एडमिन जो है रिपोर्ट्स जनरेट कर सके, ठीक है, कैटेगरीज होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, मीन शूज़ की, जिसमें वुमेन मैन और किड्स और इनकी आगे सब कैटेगरीज हैं, कैजुअल पार्टी और गर्ल्स और बॉयज़ वगैरह वगैरह, हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट साइज़ होने चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कैटेगरीज और उनकी शूज़ की, ठीक है, और 10 प्रोडक्ट आपने शो करने हैं हर कैटेगरी के अंदर, ठीक है, कस्टमर व्यू कर सकें अवेलेबल वगैरह आइटम वगैरह, ठीक है, पेमेंट पेमेंट कर सकें और कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन, ठीक है, रजिस्टर होना चाहिए ऑर्डर प्लेसमेंट से पहले, जो कस्टमर है उसको डेटाबेस रिलेशनल होना चाहिए और डेस्कटॉप और मोबाइल पे इसको चलना चाहिए, ठीक, तो ये एप्लीकेशन जो है ये PHP में बनी है, इसके लिए फ्रंट एंड के लिए HTML CSS और बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है और बैक एंड पे PHP है और डेटाबेस जो है MySQL है, ठीक है, तो हम इसकी फंक्शनलिटी को चेक कर लेते हैं। इधर जो एडमिन है वो लॉगिन करते हैं, पहले सबसे पहले एडमिन लॉगिन हुआ और तो एडमिन जो है लॉगिन होके उसके बाद कैटेगरीज देख सकता है, ठीक है, बेसिकली 3 कैटेगरीज कही गई थी, तो और कैटेगरीज ऐड करने का ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, बेसिकली 3 कैटेगरीज मैनुअली डेटाबेस में ऐड कर दी गई हैं, मैन वुमेन किड्स और इनके आगे उनकी जो सब कैटेगरीज हैं वो भी आपको डिस्प्ले हो रही हैं। इसमें किसी भी कैटेगरीज के अंदर शूज़ ऐड किए जा सकते हैं, मैन के शूज़ ऐड करने के लिए आप करते हैं कैटेगरी सेलेक्ट, सब कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, शूज़ का नेम या जो उनका उसका प्रोडक्ट नंबर होता है वो देते हैं, प्राइस देते हैं, कलर देते हैं और जो साइज़ अवेलेबल है वो आप चेक करते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, और किसी भी कैटेगरीज के शूज़ देखने के लिए आप क्लिक करते हैं तो उस कैटेगरीज के शूज़ आ जाते हैं, अदरवाइज़ आप सिर्फ शूज़ पेज पे हैं तो आपको सब शूज़ जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक, इसके अलावा एडमिन ऑर्डर्स देख सकता है, ठीक है, और ऑर्डर्स को ऑर्डर्स की जो स्टेटस है उसके लिहाज से कि जो डिलीवर हो चुके हैं या पेंडिंग पड़े हैं या उस तरह देख सकता है और रिपोर्ट्स देख सकता है, ठीक है, किसी भी मंथ कोई भी मंथ की स्टार्ट की डेट सेलेक्ट कर लें, जैसे अगस्त की रिपोर्ट देखनी हो तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें डेली मंथली और ईयरली आ रही होती हैं, ठीक है, किसी भी डे की देखनी हो तो आप वो डे करके आप वो देख सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम यूज़र को लॉगिन करते हैं,